पत्नी और करने सदा न रह जाने सवाना सजाना। पत्नी जो बाहर जाता है, करने जो किया जाता है, अंतर भेद अथवा फर्क सूचना ध्यान में आना, रोकना लगाना, तप्ती धातु की पट्टी यानी के लकड़े, किराया भाड़ा, तबाक से जोश के साथ, प्रतीक्षा इंतजार, राशि रकम, पोता पुत्र का पुत्र, आचरण व्यवहार, गुणों की खान बहुत गुणे, पानी पानी होना बहुत लज्जित होना। पाठ चार, पत्नी और करने। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य ने बीजा प्राणियों करता श्रेष्ठ बनायो छे। कई गुणों से उसे सवारा है। अनेक गुणों थी तेने शणगारियो छे। इसका उसे अभिमान भी होता है। आनो तेने गर्व अथवा तो अभिमान पण छे। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बनाता है। परंतु પોતાના ગુણોની ખાણ સમજનાર મનુષ્ય અનેક વખત એવા કામો કરે છે કે જેમને તે ખોટા ગણે છે। કથની ઓર કરની મે અંતર કે એસે કઈ ઉદાહરણ રોજ દેખને મે આતે હે। કથની અને કરણીમાં રહેલા તફાવતના એવા અનેક ઉદાહરણો દરરોજ નજરે જોવા મળે છે। બસ્તી કે બીચ સરકારને પાર્ક બનાને કી જગહ છોડ રખી હતી। વસ્તીની વચ્ચે સરકારે બગીચો બનાવવાની જગ્યા રાખી હતી। બરસાત કે મોસમ મે મુહલે કે એક સજ્જન કો ઉસમે ફૂલ કે પૌધે લગાને કી સૂઝી। વર્ષા ઋતુમાં તે વિસ્તારના એક સજ્જનને તેમાં ફૂલોના છોડ વાવવાનું સૂઝ્યું। બાત અચ્છી થી, સારી વાત હતી। વે કહીં સે પૌધે લાયે? તેઓ ક્યાંથી છોડ લઈ આવ્યા? कतार से उन्हें रोपा। तेमने हार बन यानी कि लाइन में वाविया। देखभाल की। तेमनी संभाल राखी। पौधे बड़े हो गए। छोड़ मोटा थई गया। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। थोड़ा दिवसों पछी फूल खिलवा लग्या। पार्क अच्छा लगने लगा। बगीचो सुंदर देखावा लग्यो। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। મહોલ્લાના લોકો સવાર સાંજ બગીચામાં ટહેલવા લાગ્યા। ફૂલ સબકો અચ્છે લગતે હે। ફૂલ સૌને ગમે છે। પાર્ક મે લોકો કે આને જાને સે ઉને યહ લગા કે લોગ ઇને ફૂલ કો તોડ કર લે જાયેગા। બગીચામાં લોકોની અવર જવર થી પેલા સજનને લાગ્યું કે લોકો આ ફૂલોને તોડીને લઈ જશે। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तेमने एक पाटिया ऊपर फूलो तोड़वानी मनाए छे एम लखीने टांगी दीदू। आते जाते सब उसके पट्टे कोई कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। आवता जता सब ते वाचता कोई पण फूल ने तोड़तू नहीं। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाला सज्जन को बड़े सबेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। परंतु नवाई नी बात तो त्यारे खबर पड़ी के लोगों ए पाटियों लटकावना सज्जन ने एकज वेली सवारे जल्दी जल्दी फूलो तोड़ता जोया। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले। ते पोतानी शरम छुपावा माटे बोल्या। पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। पूजा माटे फूलो तोड़ी रहियो छू। बसों में लिखा होता है। बसों में लख्यू छे के धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान करवानी मनाए छे। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक वक्त મુસાફરી કરતા જોયું કે એક મુસાફર બીડી સળગાવીને પીવા લાગ્યો। ઉસે દેખકર કંડક્ટરને કહા। તેને જોઈને કંડક્ટરે કહ્યું, ભાઈ સાહેબ, ભાઈ સાહેબ, બસમાં બીડી સિગરેટ પીના મના હે। બસમાં બીડી સિગરેટ પીવાની મનાય છે। ઉને જલ્દી બીડી ખિડકી સે બહાર ફેંકવા દી। તેણે સળગતી બીડી બારીમાંથી બહાર ફેંકાવી દીધી।
थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। थोड़ी वार पछी कंडक्टर ड्राइवर ने केबिन में जाने बैठो, तेने सिगरेट सड़गावी अने बने पीवा लग्या। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरह इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। एक बीजा मुसाफरे आ जोयू अने लखेला वाक्य तरफ संकेत करता कंडक्टर ने कह्यू, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। भाई साहब बस में सिगरेट पीवानी मनाई छे। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। ते सांभळी ने कंडक्टर एकदम बोली उठ्यो, आ वाक्य तमारा माटे छे, अमारा माटे नहीं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक मानस एक दुकान पर गयो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, स्कूटर दुकान नी पासे उभू करी रही हो तो त्यारे दुकानदार बोल्यो, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। तमे तमारू स्कूटर त्यां सामे वाहन उभा राखवानी जग्याए उभू करी आओ। सज्जन ने कहा। सज्जन ने कह्यू, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। मारे थोड़ा समय माटे रुकावानु छे। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। हूँ तो सामान लेने हमरा चालियो जाइस, दुकानदार बोला। दुकानदार बोल्यो, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। परंतु दुकान नी सामे सड़क वचे स्कूटर उभू राखो ए ठीक नथी। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर लेकर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। सज्जने पोतानो स्कूटर वाहन उभा राखवानी जगह ले जाइने उभो राख्यू अने पाछा आवीने ते सामान खरीदवा लाग्या। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वहां दुकान के अंदर चला गया। इतलामां स्कूटर लईने एक छोकरो आव्यो, दुकान पर आव्यो, स्कूटर ने दुकान सामे उभू करीने ते दुकान मां चाल्यो गयो। इस पर उस सज्जने दुकानदार से कहा, आ जोईने पेला सज्जने दुकानदार ने कह्यू, आपने इसे मना नहीं किया, तमे आने ना न पाड़ी। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। ते बोलिया, आ तो मारो दिकरो छे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે કે જેઓ આદર્શની વાતો કરે છે પણ જ્યારે એને અપનાવવાનો હોય ત્યારે તે આદર્શને ભૂલી જાય છે। એક દિન એક સજ્જન કે ઘર ઉનકે મિત્ર મિલને આયે। એક દિવસ એક સજ્જનને ઘેર તેમના મિત્ર મળવા માટે આવ્યા। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। बन्ने मित्रों बातचीत में तल्लीन हता त्यारे कोई दरवाजो खटखटाव्यो। उन्होंने खिड़की से जाकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। तेमने बारी माथी नजर करीने जोयू, बाहर मकान मालिक उभो हतो, जो पिछले 4 महीना का किराया मांगने बार बार आ रहा था। ते छेल्ला 4 महीनानुं भाड़ू मांगवा वारंवार आवतो हतो। उन्होंने अपने बच्चों को समझाकर बाहर भेजा। ते सज्जने पोताना बाळकने समझावीने बाहर मोकल्यो। जब बच्चे बाहर गया तो मकान मालिक ने उसने कहा, ज्यारे बाळक बाहर गयो त्यारे मकान मालिके तेने कह्यू, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तारा पिताजी ने कहे कि हूँ मकाननो भाड़ू लेवा माटे आव्यो छूं। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। बाळके तरत ज जवाब आप्यो, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। पिताजी ए कह्यू छे कि ते घर मां नथी। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। बाळक नी वात सांभळीने मकान मालिक हसवा लाग्यो। घर में बैठे मित्र के चेहरे भी मुस्कान आ गई। घर मां बैठेला मित्रनु मुख पण मलकवा लाग्यु, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। ते जोईने पेला सज्जन शरमाई गया।
एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जने पोताना पौत्र ने यानी कि दीकराना दीकराने शीखवाड़ी हतुं के आपणे कदी कोई काम खोटी रीते न करवू जोईए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमेशा पोताना वारानी राह जोवी जोईए। एक दिन की बात है। एक दिवस नी बात छे। वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। तेओ नळ बिजली नो बिल भरवा गया। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। साथे तेमनो 8 वर्षनो पौत्र पण हतो। बिल जमा कराने की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। बिल भरनाराओनी लांबी लाइन जोईने ते कोई उपाय विचारवा लाग्यो। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। तेमणे उभेला लोकोने ध्यान थी जोया। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। आगळ ज एक परिचित व्यक्ति ने उभेला जोया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले। ते तरत तेनी पासे गया अने बोल्या। बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। बेटा आ बिल तू घरे ज भूली आव्यो छे। लो इसको भी जमा करा दो। ले आ पण भरी दे। वह व्यक्ति कुछ बोले। ए व्यक्ति कई बोले। उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। ते पहला ज बिल अने रकम तेना हाथ में मुकी दीधा अने एक बाजू उभा रही गया। पोता बार बार कहने लगा। तेमनो पौत्र वारंवार कहतो रह्यो। दादाजी लाइन में लगिए न। दादाजी लाइन में उभा रहो ने। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तेनी बात सांभळीने लोको हसवा लाग्या। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। कितने लोग एवं हो कि जो आदर्श की बातों करे छे पर तेमने अपनावता नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। आवो आचरण सारू न कहवाय। ऐसा आचरण करने वालों को भी कहीं सम्मान नहीं मिलता। आवो आचरण करनाराओ ने क्यारे पण आदर के मान मळतु नथी। वे हसी के पात्र बनते हैं। तेओ हसी ने पात्र बने छे। इसलिए हमें कथनी और करनी में संदेह समानता रखनी चाहिए। इतला माटे आपणे कथनी अने करनी में हमेशा एकता राखवी जोईए। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब समान। होई कथनी करनी एक समान जगत में त्यारे मळे छे सम्मान। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? उत्तर, मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। प्रश्न 2, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? उत्तर, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। प्रश्न 3, जग में सम्मान कब मिलता है? उत्तर, जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। प्रश्न 4, हम पर किस किस का ऋण है? उत्तर, हम पर माता मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। होमवर्क में एक बार